करनाल के घरौंडा में बदमाशों ने एक ज्वेल्स की दुकान को लूटने के प्रयास में दुकानदार के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे दुकानदार बाल बाल बच गया। बदमाश मोटरसाइकिल पर हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति भी गहरा रोष है। लोगों का कहना है कि अब शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहां यह भी बता दें कि घटना के आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर लोगों ने पुलिस को घेर लिया और वापस जाने को कहा। लोगों का कहना था कि पुलिस आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश काफी दूर निकल गए होंगे। दुकानदार प्रमोद कुमार का कहना है कि जब वह दुकान बंद करने की तैयारी में थे तो दो बदमाश उनकी दुकान में घुसे, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिसे देखकर उसका नौकर नीचे गिर गया और वह अंदर था। जब वह बाहर आया तो बदमाशों ने उसे थैले में सारे जेवर भरने को कहा तो उसने सेफ रूम का दरवाजा बंद कर दिया। बदमाश कहने लगे, ये ऐसे नहीं देगा, ये मरेगा। दुकानदार ने वहां रखा एक डंडा उठाकर बदमाशों को मारने की कोशिश की तो तभी एक बदमाश ने गोलियां चला दी। बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए, जिससे वह बाल बाल बच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस करीब 30 मिनट के बाद वहां जांच करने पहुंची। वहीं पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जाएगा और उनके हुलिये के आधार पर उनकी तलाश की जाएगी। घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। दो नकाब को साथ में है, इसकी खबर हमने कैमरा देखा था, मंडी में पिस्टल को लूटने की कोशिश की, लेकिन ये लोग दुकानदार जो माली में पहुंच गया, उनकी बहादुरी थी वो इसमें सक्सेस नहीं हो सके। कुछ एक हमारे पास जानकारी हमारे पास इकट्ठी की गई हुई है, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो सीसीटीवी खंगाली जा रही है, इस संबंध में कुछ हमारे जान इनपुट है, लेकिन आप जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दुकान पे लगभग 6:15 बजे करीब का समय था जी। मैं अपनी दुकान सही करने के लिए, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए उठा, तो जैसे मैं सामान इकट्ठा करके अपना शहर में रखता था तो उसी टाइम मेरा जो वर्कर बैठा हुआ था दुकान पे, उसने मेरे को आवाज़ लगाई, दादा जी बाहर आओ। मैं क्या बात है, तो मैंने देखा भी दो आदमियों के हाथ में दीवार पर है, उन्होंने कहा बैठ जाओ अंदर, चल तू सोना भाई इसमें। तो मैंने कुदरती थोड़ी सी जो है मतलब एक पीछे हटके मामूली एक लकड़ी का डंडा सा आ गया मेरे हाथ में छोटा सा, तो मैंने वो डंडा उठा लिया, कुवाड़ को हाथ मार दिया, कुवाड़ बंद हो गया कुदरती। तो उन्होंने देखा भाई इन्हें कुवाड़ बंद कर दिया, तो उन्होंने एक फायर करा, तो उसके बाद बोला इसको मारो, ये नहीं मानता, ये नहीं देखता, इसको मारो। फिर उन्होंने दूसरा फायर करा, फिर जाते हुए तीसरा फायर मोटरसाइकिल पर, 3 फायर लगभग करे उन्होंने, 2 तो कंपलसरी का, तीसरा भी करा या नहीं करा, मैं घबरा गया एकदम, देख नहीं पाया मैं नीचे गिरने के उसमें हो गया स्थिति में। मैंने अपने आप को संभाल कर रुके बचाए, जब बाहर लोगों ने मेरे को संभाला, ये वारदात हुई है। मौके पर 6:15 बजे करीब पुलिस को सूचना दी गई थी, जबकि पुलिस 7:45 बजे करीब यहाँ मौके पर आई है, 7:45 घंटे के बाद पुलिस आई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.